जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11th के लिए हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ, बायोलॉजी का एग्ज़ाम आपका जो है 18 अक्टूबर के दिन होगा, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊँगा, PDF के रूप में इसका आंसर कहाँ मिलेगा वो भी डाउनलोड करने के लिए सिखा दूँगा, ताकि आप अच्छे से एग्जाम हॉल में से पहले लिख पाओगे। तो देख लीजिएगा, आपका विषय कोड 119 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैं आपको पहले ही बोल दिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का बताऊंगा, तो देख लो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी है, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। वीडियो में बने रहना है और चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि नेक्स्ट पेपर का हम लोग वीडियो डालेंगे मैथ का, हिंदी इंग्लिश का, तो सारा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बोला गया कि प्लाज्मा, देख लीजिएगा, बोला गया कि प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है। तो पहला का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे 55%। क्वेश्चन नंबर दो बोला, प्लेटलेट्स को 10-10 के रूप में भी जाना जाता है, कहा जाता है, तो दो नंबर का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपका जो है ना ल्यूकोसाइटस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर दो तीन है, बोला गया कि वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कली जो ना कनिकाएं बनती हैं, तो आप याद रखिएगा तीन नंबर का ऑप्शन डी होगा, छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही यहाँ पर जो है ना करेक्ट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बोला जा रहा है चार नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो ना अक्नो कोशिका है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे चार का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका जो ना न्यूट्रोफिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँच नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि रक्त समूह ए बी में के व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाएं पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, तो पाँच नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखेंगे ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है छः नंबर, निम्नलिखित में से किस आयन की भूमिका है स्कंदन में महत्वपूर्ण होती है, तो बिल्कुल छः नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, ए पर पावर जो ना प्लस में 2। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसे जो ना गति प्रेरक कहते हैं, तो आप याद रखेंगे 7 का सी नंबर हो जाएगा, हिट के बंडल, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगली जो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है ना, 8 नंबर प्रश्न पूछा गया, अच्छे से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हो सके तो आंसर भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला आपसे, बोला कि बताइए आप लोग जल्दी से, यहाँ पर ना क्वेश्चन क्या बोला कि मनुष्य के हृदय में प्रतिशत कितना होता है, शायद आयतन कितना होता है ना, तो याद रखिए 8 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, 70 ml होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य में प्रकुर्चलन दाब और अनुशीथिलन रक्त दाब के मध्य अंतर को क्या कहेंगे, तो 9 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे ये बिल्कुल ही आप लोगों का हो जाएगा 20 mm हाइपोग्राम, है ना, मेमी हाइपोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, हृदय पेशी में जो ना अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द को क्या कहेंगे, तो 10 नंबर का ए हो जाएगा, हृदय शूल। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रक्त में यूरिया के एकत्र होने को क्या कहेंगे, तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, याद रखेंगे वृक्क की क्रियाहीनता। 12 नंबर है, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, तो आप याद रखेंगे 12 का भी ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ये लगभग 2.5 से 3 लीटर के बीच होता है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर है, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो 13 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी बी नंबर, याद रखेंगे वृषाणु। उसके बाद 14 है कि वृक्क नलिका के किस भाग के द्वारा लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि वैद्युत अपघटन एवं जल का पुनः अवशोषण रक्त में होता है, तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखेंगे समीपत जो ना सवलित नलिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 15 है कि एक वयस्क मनुष्य के मूत्र का पीएच कितना होता है, तो बिल्कुल 15 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, अम्लीय होता है, मतलब कैसा होता है ना पीएच। तो चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर की, आदि वृक्क या ज्वाला कोशिका उत्सर्जी संरचना के रूप में निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है, तो 16 का राइट आंसर बी होगा, ये आपका हो जाएगा 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी बी होगा। 17 नंबर प्रश्न बोला गया तिल चट्टे में उत्सर्जी अंक क्या है, तो 17 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका जो ना सरिंग्रिक कर जो ना ग्रंथियाँ होगा। 18 नंबर की वृक्कों द्वारा औसतन जो ना औसतन प्रति मिनट कितना रक्त की रक्त का से आनंदन किया जाता है, तो बिल्कुल 18 का सी नंबर होगा, याद रखेंगे 1500 से 1700 मिली ML। और अगले क्वेश्चन 19 नंबर की, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने वृषाणु पाए जाते हैं, तो 19 का भी नंबर होगा 1000000। तो इस प्रकार से हम आपको अभी सारे क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे, उससे पहले इसका PDF मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। इसका PDF आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर से मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए हम आपको सिखा देता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड करके लिख लीजिए। प्यारे साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए, उसके बाद ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इसी पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और आपको नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे आप लोग क्लास 11th का सेशन देखने को मिलेगा, क्लास 11th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 लिखा मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, यहाँ पर आकर एक बार पेज को आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर आपको नीचे आना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इंग्लिश हिंदी ऑल सब्जेक्ट है, और आर्ट्स वाले बच्चों का नीचे मिल जाएगा, कॉमर्स वाले बच्चों का यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें बायोलॉजी करना है ना, तो बायो का कर लेते हैं, बायो है ना, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ पर भी पेज वगैरह को रिफ्रेश कर देंगे। उसके बाद आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे सबसे पहले लिख लीजिएगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँ, यहाँ ऑलमोस्ट वीडियो देखने के बाद अपलोड किया हुआ मिल जाएगा, पेज वगैरह को रिफ्रेश कर देना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20 नंबर बोला गया कि मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन का कार्य उपस्थिति निम्नांकित में से किसका लक्षण है, तो 20 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा डायबिटीज मेडिटिस जो ना मेडिटस। अगली क्वेश्चन 21 है कि मानव कंकाल में अस्थियाँ की संख्या कितनी है, तो 21 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा 206। 22 नंबर है कि जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों में जमा होने के कारण जोड़ों का शोध क्या कहलाएगा, तो बिल्कुल भी याद रखेंगे आप लोग 22 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका जो ना अस्थि सुपीड़िता कहलाएगा, ऑप्शन बी होगा। 23 है कि हेनरे लूप पाया जाता है, तो बिल्कुल 23 का ऑप्शन डी होगा, ये आप याद रखेंगे कंकाल तंत्र में। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर, तो बोला गया हमारे फेफड़े प्रतिदिन कितना CO2 निष्कासित करते हैं, तो 24 का डी नंबर होगा, लगभग 10 लीटर प्रतिदिन। 25 है कि एक्टिन तंतु पाए जाते हैं, तो बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ए पट्टी। तो 25 क्वेश्चन बना था मैंने आपको, 25 क्वेश्चन का उत्तर बता दिया, आप ऐसे क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन का उत्तर बना पाते तो बना लेना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे सब्जेक्टिव की ओर, देख लीजिए 10 क्वेश्चन आपको पता है, 5 क्वेश्चन बनेगा 10 नंबर मिलेगा। पहला कि मानव शरीर की कोशिका द्वारा दर्शाए जाने वाली 3 प्रकार की प्रमुख गतियों के नाम लिखिए, दूसरा कि अस्थि के आधार स्थिति के आधार पर 3 प्रकार की पेशियों के नाम बताए, तीसरा कि जो ना पेशी तंतुकों में पाए जाने वाले 2 प्रमुख प्रोटीनों के नाम लिखिए, चौथा कि हड्र जो ना हृदय चक्र क्या है। अगली क्वेश्चन 5वां है कि गुच्छीय निषेधन दर को परिभाषित करें, 6ठा बोला गया कि प्रासरण जो ना नियमन का अर्थ बताए। आगे देख लीजिए सारे क्वेश्चन है और लॉन्ग में 5 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 15 नंबर मिलेगा। तो पहला है कि एक मानक EGC को दर्शाएं तथा उनका विभिन्न खंडों का वर्णन करें, 12 की दौड़े परिसंचरण तंत्र से क्या समझते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। एक और नेक्स्ट वीडियो में इसे लाऊंगा, उसमें अच्छे से बताऊंगा। देखो इंग्लिश मीडियम में ऊपर में आंसर होगा, नीचे में इंग्लिश मीडियम है, इसमें 2 नंबर में ऊपर इंग्लिश मीडियम है, नीचे हिंदी मीडियम है, तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए, मैं इसका आंसर डाल दूंगा, ठीक है। आप जाकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, और एक नेक्स्ट वीडियो भी ला दूंगा जिसमें हम अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर पढ़ पढ़ करके समझा भी देंगे। तो
तैयार रहिए। और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।